अभी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते आज टल गया। एनिमेशन के द्वारा हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो है वो रनवे पर था, टेक ऑफ करने ही वाला था कि अचानक 20 मीटर की दूरी पर एक हेलीकॉप्टर आकर उतरता है और खबर मिलती है कि हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के काफिले का है और 167 यात्री उस वक्त प्लेन में सवार थे, सभी की जान बाल बाल बच गई। हवाई जहाज रनवे पर 1 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और महज 110 सेकंड बाद टेक ऑफ करने वाला था, तभी 3 हेलीकॉप्टरों से ये विमान घिर गया। पायलट ने अचानक लगाया इमरजेंसी ब्रेक, तब मौत और जिंदगी के बीच फासला था महज 20 मीटर। विमान में सवार सभी 167 यात्री अवाक रह गए। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाल तो दिया, लेकिन इस चक्कर में विमान के टायर फट गए। हादसा टलने से मुजाहिर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बेहद डरे हुए भी थे। जानकारों की माने तो हादसे में जानमाल की तबाही हो सकती थी। ये बहुत ही डेंजरस घटना हो सकती थी और इसमें हो सकता है कि जो 140 पैसेंजर्स थे उनमें प्लेन में अगर क्रैश हो जाता तो आग भी लग सकती थी। ये तो एक बहुत जबरदस्त ह्यूमन एरर है। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान ने सुबह 7:49 पर गोवा से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। तब किसी भी मुसाफिर ने मौत को इतने करीब से देखने के बारे में नहीं सोचा होगा। यही वजह है कि हादसा टलने के बाद ये लोग खुद को खुशनसीब तो मानते दिखे, लेकिन कईयों ने दोबारा इसी प्लेन में बैठने से तौबा कर ली। दोबारा जब टायर ठीक होने के बाद 11:40 पर विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ तो 18 लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, यानी केवल 149 यात्रियों को लेकर ही ये विमान दिल्ली पहुंचा। साफ है कई मुसाफिर सदमे से उबर नहीं पाए। अब मुसाफिरों के साथ ही जानकार भी हादसे की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। एटीसी की जिम्मेवारी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी आदमी जिम्मेवार है इसके लिए उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये उतना ही डेंजरस है जितना डेंजरस हाईजैकिंग हो सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसिडेंट अवॉइड होने चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ उसे महज एक भूल का नतीजा माना जा रहा है। जहां इतनी जिंदगियां दांव पर लगी हों, क्या वहां ऐसी गलतियों के लिए कोई गुंजाइश है? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी इन गलतियों से कोई सबक लेगी? इतना बड़ा विमान हादसा तो जरूर टल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के सबसे व्यस्त मुंबई एयरपोर्ट की कंट्रोल संभालने वाली एटीसी ने इतनी बड़ी चूक की कैसे? अब ये सवाल पूछे जाने पर एटीसी का कोई अधिकारी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन विमान के पायलट एसएस कोहली की माने तो उनके 25 साल के करियर में इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने कभी नहीं देखी। निशा शमसी, मुंबई, IBN 7।